हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों, मैं सागर आज आपके सामने फिर से लेके आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी के जीए के कैप्सूल, जो कि आपके आने वाले एग्जाम रेलवे के कोई भी एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा आने की चांसेस हैं। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को डिस्कस किया है फ्रेंड्स। ये टेस्ट नंबर 6 है, इसके पहले के 5 टेस्ट आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोन्स ऑफ हॉर्सेज ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वेयर फाउंड एट। तो इसमें बोल रहा है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इसमें बोल रहा है कि हॉर्सेस का घोड़ों की हड्डियां कहां पे मिली थी हरप्पा सिविलाइजेशन में। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है लोथाल, सेकंड ऑप्शन है हरप्पा, थर्ड ऑप्शन है सुरको टाडा एंड द फोर्थ ऑप्शन इज मोहनजोदारो। फ्रेंड्स, आपको 4 से 5 सेकंड दिया जाएगा हर क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सुरको टाडा। इसका आंसर है पहला का ऑप्शन 3, आंसर है सुरको टाडा। यहाँ क्या हुआ था, बोन्स ऑफ हॉर्स मिला था। तो अब चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे, देखिए, इन 1947 532 प्रिंसली स्टेट्स वेयर एनेक्स्ड टू इंडिया एक्सेप्ट 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अमॉन्ग द 3 प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है, जूनागढ़। द सेकेंड क्वेश्चन भावनगर, द थर्ड ऑप्शन इज हैदराबाद एंड द फोर्थ ऑप्शन इज कश्मीर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कोशिश कीजिए आप दे सकें कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ कश्मीर हो जाएगा, सेकंड का आंसर फोर्थ कश्मीर हो जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज टू प्रिपेयर अमोनिया गैस। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके जीएस से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में। तो इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज, इनमें से कौन से गैसेज का इस्तेमाल हम अमोनिया गैस बनाने के लिए करते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑन द स्क्रीन, पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, द सेकंड ऑप्शन इज नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड, द थर्ड ऑप्शन इज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड द फोर्थ वन इज नाइट्रोजन एंड कार्बन। तो अमोनिया गैस का को बनाने में किस किस गैसों का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 3 का 4 हो जाएगा, दैट इज नाइट्रोजन एंड कार्बन, नाइट्रोजन एंड कार्बन इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया पर कैपिटा इनकम इज हाईएस्ट। आपसे पूछ रहा है कि कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो पहला फर्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा, सेकेंड ऑप्शन है असम, थर्ड ऑप्शन है मणिपुर एंड द फोर्थ वन इज केरला। तो पर कैपिटा इनकम इनमें से कौन से राज्यों में सबसे ज्यादा है, तो फोर्थ का फोर्थ ऑप्शन होगा, दैट इज केरला। केरला में सबसे ज्यादा क्या है, पर कैपिटा इनकम है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन पे, दैट इज ऑन द स्क्रीन, बाय इंपोर्ट ऑफ डैश द इन्फ्लेशन हैज बीन काउज इन इंडिया। ये बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स लिटिल बिट। ठीक है, तो कह रहा है बाय इंपोर्ट ऑफ डैश, किसके इंपोर्ट से इन्फ्लेशन जो रेट है वो हैज बीन काउज इन इंडिया, मतलब उसमें कुछ इफेक्ट आते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है फर्स्ट है वीट, द सेकंड ऑप्शन इज राइस, द थर्ड ऑप्शन इज सुगर एंड द फोर्थ वन इज पेट्रोलियम। तो फ्रेंड्स, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, फिफ्थ का फोर हो जाएगा, दैट इज पेट्रोलियम इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6 दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच कंट्री द हिंदू टेम्पल्स वेयर रेज्ड टू द ग्राउंड इन दिसंबर 2007। इन विच कंट्री द हिंदू टेम्पल्स वेयर रेज्ड टू द ग्राउंड इन दिसंबर 2007। द फर्स्ट ऑप्शन इज, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दैट इज इंडोनेशिया, द सेकेंड वन इज मलेशिया, द थर्ड वन इज मॉरिशस एंड द फोर्थ वन इज अफगानिस्तान। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 6 का 2, दैट इज मलेशिया। मलेशिया इज द राइट आंसर। मलेशिया का अगर बात करें कैपिटल का, तो मलेशिया कैपिटल कुआलालंपुर होता है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन पे। तो सातवें नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, द नेशनल हाईवे सिस्टम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द फर्स्ट ऑप्शन इज स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार का, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मतलब केंद्र और राज्य सरकार दोनों का, या लोकल बॉडी गवर्नमेंट किसका है, नेशनल हाईवे सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है। ठीक है फ्रेंड्स, सातवां नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों हो जाएगा, केंद्र एवं दैट इज ऑप्शन नंबर 3 राइट है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ इज द राइट आंसर, एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य सरकार दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है किसका, नेशनल हाईवे का। चलिए चलते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन पे, दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, टू न्यू जोन्स नेम्ड नॉर्थ
वेस्टर्न रेलवे एंड ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिकम फंक्शनल या ऑपरेशनल फ्रॉम दो जोन्स, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे हो गया और एक पूर्वी केंद्र रेलवे, बिकम फंक्शनल ऑपरेशनल फ्रॉम, मतलब कब से ये फंक्शन में आ गया था, मीन्स कार्य में आ गया था। तो ऑप्शन इज, पहला नंबर ऑप्शन है अक्टूबर 1, 2002, द सेकेंड ऑप्शन इज अप्रैल 1, 2002, द थर्ड ऑप्शन इज अप्रैल 1, 2003 एंड द फोर्थ वन इज अक्टूबर 1, 2003। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 8 का 1 हो जाएगा, दैट इज अक्टूबर 1, 2002। ठीक है, तो क्या कब आया था, 1 अक्टूबर 2002 को दो नया जोन फंक्शन में आया था। पहला जोन क्या था, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एंड और दूसरा जोन क्या था, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे। इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दो द कोंकण रेलवे लाइन डज नॉट पास थ्रू इट। ठीक है, अब आपसे बोल रहे इसमें इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां से कोंकण रेलवे का लाइन पास नहीं होता है, येट इट हैज अ कैपिटल शेयर इन द KR कॉर्पोरेशन, नेम द स्टेट। आपसे पूछ रहा है स्टेट का नाम बताए, राज्य का नाम बताए जहां से कोंकण रेलवे पास नहीं होता है, रेलवे लाइन नहीं पास होता है। द फर्स्ट वन इज कर्नाटका, द सेकेंड वन इज गोवा, द थर्ड वन इज तमिलनाडु एंड द फोर्थ वन इज केरला। तो फ्रेंड्स कोंकण रेलवे जो है, रेलवे लाइन जो है, तमिलनाडु से पास नहीं होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु। तमिलनाडु से आपका कोंकण रेलवे लाइन पास नहीं होता है। चलिए चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। द 10th नंबर क्वेश्चन है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, 10वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स क्या होता है फ्रेंड्स, डिस्प्यूट मीन्स लड़ाई होता है, फाइटिंग होता है एक तरह से, इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड बाई द, जितने भी डाउट्स हो या डिस्प्यूट्स हो इन कनेक्शन इलेक्शन से रिलेटेड, किसके इलेक्शन से रिलेटेड, वाइस प्रेसिडेंट के, उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कोई भी डाउट या डिस्प्यूट होता है ऑफ इंडिया, तो आर डिसाइडेड बाय, किनके द्वारा उसको ये किया जाता है, मतलब टैकल किया जाता है, उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, द सेकंड ऑप्शन इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, द थर्ड ऑप्शन इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द फोर्थ ऑप्शन इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा, जितने भी डाउट्स और डिस्प्यूट्स है वाइस प्रेसिडेंट, भारत के वाइस प्रेसिडेंट को लेके, उसको सॉल्व करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगर आपसे बात पूछे कि चीफ जस्टिस अभी कौन है सुप्रीम कोर्ट का, तो अभी रंजन गोगोई है चीफ जस्टिस है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स ये था आज का RRB NTPC का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि ये सब क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि आगे हम RRB NTPC से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस उसको आपसे डील कर सकें। थैंक यू।